तो दोस्तों Redmi Note 7 Pro के फीचर्स के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना एंड वैसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो इस वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फीचर्स हम देखेंगे, बहुत सारे यूजफुल फीचर्स बताया हूँ मैं प्रीवियस वीडियोस पर, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देता हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आइका यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं कार्ड, वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हूँ Redmi Note 7 Pro के फीचर्स के रिलेटेड, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज कुछ और फीचर्स जानेंगे। ये प्रॉबेबली ज़्यादा लोगों को पता है अभी जो फीचर्स मैं दिखाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपने नया लिया है मोबाइल या फिर Xiaomi के इकोसिस्टम में नया है तो ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प होगा। तो सबसे पहला सेटिंग हम देखेंगे सेकंड स्पेस, मतलब कि दो स्पेस क्रिएट कर सकते हैं एक ही मोबाइल में, मतलब कि दो मोबाइल यूज़ करने जैसा होता है। सो लेट्स से कि अगर आपके प्राइवेट स्टफ़ है, प्राइवेट इमेजेस है या फिर डॉक्यूमेंट्स है, ऐसे कुछ सारे चीज़ जो है आप सेपरेट स्पेस में रखना चाहते हैं, या फिर आप मोबाइल किसी और को देना चाहते हैं यूज़ करने के लिए, तो आप अलग ही स्पेस क्रिएट करके उनको दे सकते हैं। तो वो यूज़ करने के बाद आप फिर से अपने स्पेस पर जा सकते हैं। आपका जो सेटिंग्स रहता है, जो भी रहता है यूज़र इंटरफेस, जो भी कुछ भी किया रहता है आप मोबाइल में, वो वैसा ही रहेगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो सेकंड स्पेस क्रिएट करने के लिए आपको ऐसे स्क्रॉल करना पड़ेगा एंड यहाँ से आपको जाना है सेकंड स्पेस। तो यहाँ पर टर्न ऑन सेकंड स्पेस है, इस पर टैप करना है एक बार एंड अभी क्रिएटिंग ए सेकंड स्पेस करके आएगा। तो अलग से स्पेस के लिए अलग पासवर्ड एंड इवन फिंगरप्रिंट से भी आप स्विच कर सकते हैं एक स्पेस से और एक स्पेस तक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्रिएटेड सक्सेसफुली, कंटिन्यू पर टैप करना है। कैसे आप एक्सेस करना चाहेंगे अपने अलग स्पेस को, पासवर्ड के जरिए या फिर शॉर्टकट की बनाकर, तो ऐसे आप डिसाइड कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के आधार पर। तो मैंने अभी जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए यूजिंग ए शॉर्टकट करके टैप करता हूँ, नेक्स्ट कंटिन्यू। तो यहाँ पर पासवर्ड सेट करना पड़ता है सेकंड स्पेस को, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं पासवर्ड, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप ही यूज़ करते हैं ज़्यादा मोबाइल, तो दो स्पेस आप यूज़ करना चाहते हैं बिना कोई पासवर्ड या फिंगरप्रिंट के जरिए, तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल पासवर्ड देकर अभी टेस्ट करेंगे। देखिए सेकंड स्पेस पासवर्ड, तो इससे पहले आपको जो फर्स्ट स्पेस में पासवर्ड दिया रहता है वो वाला कन्फर्म करना है एक बार। कन्फर्म करने के बाद सेट सेकंड स्पेस पासवर्ड, तो एक नया पासवर्ड हम अभी पैटर्न बनाएंगे, तो यही पैटर्न फिर से बनाना है और कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद सेकंड स्पेस फिंगरप्रिंट टू स्विच फास्ट, मतलब जल्दी से जल्दी एक स्पेस और एक स्पेस फिंगरप्रिंट यूज़ करके भी जा सकते हैं। तो अगर आप सेट करना चाहते हैं तो सेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। लेट्स से कि मैंने अभी सेट किया हो ऐसा, तो पहले कन्फर्म फर्स्ट स्पेस पासवर्ड, तो ये पैटर्न था। अभी स्कैन फॉर द सेकंड स्पेस फिंगरप्रिंट, तो मैं ऐसे एक्सेस करता हूँ, तो ऐड योर फिंगरप्रिंट, तो अभी फिंगरप्रिंट ऐड करना है, तो बैक साइड में ऐसे फिंगरप्रिंट पर टैप करते जाना है, बस डन सक्सेसफुली। तो इसके बाद दो फिंगरप्रिंट हुए, एक तो फर्स्ट स्पेस के लिए, एक दूसरा स्पेस के लिए। तो इसके बाद कंटिन्यू पर टैप करना है, ये रहा अलग सा स्पेस। जैसे कि आप देख सकते हैं जो नया मोबाइल रहता है इंटरफेस वैसा ही रहेगा, क्योंकि मैंने ये स्पेस में अभी कुछ भी नहीं किया हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करके इस स्पेस में रखता हूँ, तो देखिए अभी लेट्स से कि मैंने अभी एक पिक्चर लिया, तो अभी क्लिक किया मैंने फ़ोटो, तो ये वाला फ़ोटो आपको उस स्पेस में दिखने को नहीं मिलेगा। तो स्विच कैसे करें, तो यहाँ पर स्विच करके है, जस्ट एक बार टैप करना है एंड ऑटोमेटिकली आप उस स्पेस पर जाएंगे। अगर नहीं हो रहा है कई बार तो क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली सेटिंग्स पर जा सकते हैं एंड यहाँ पर जो है सेकंड स्पेस में यहाँ पर है स्विचिंग बिटवीन द स्पेसेस, एंड इवन आप डिसाइड कर सकते, ढेर सारे ऐसे सेटिंग्स है आप जाकर देख सकते हैं, आपको आपके पसंद कैसा है वैसा आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स से आई टैप ऑन दिस स्विचिंग बिटवीन स्पेसेस, अभी फिंगरप्रिंट रीड करेगा, तो फर्स्ट स्पेस का फिंगरप्रिंट हम देंगे, तो देखिए स्विचिंग बैक टू अनदर स्पेस, वहाँ पर वो फ़ोटो ज़रूर नहीं होगा। देखिए हम गैलरी पर जाएंगे एंड वो फ़ोटो बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, तो वो फोटो सेकंड स्पेस में ही रहेगा। तो ऐसे आप अलग अलग स्पेस बना सकते हैं, अगर किसी को दे रहे हैं मोबाइल तो अलग स्पेस ओपन करके आप दे सकते हैं। नेक्स्ट फीचर देखेंगे फुल स्क्रीन डिस्प्ले, मतलब कि ये जो बटन्स है ये इसको आप निकाल के फुल स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। फुल स्क्रीन जेस्चर लेने के लिए आपको फिर से सेटिंग्स पर जाना है, तो सेटिंग्स में फुल स्क्रीन डिस्प्ले है, तो फुल स्क्रीन डिस्प्ले जैसा कि नाम है पूरा का पूरा स्क्रीन अगर डिस्प्ले चाहते हैं, ये हटा देना चाहते हैं इस चीज़ को, तो यहाँ से आप फुल स्क्रीन जेस्चर पर टैप करना है एंड यहाँ से आपको क्या करना है, सीखना है कि क्या करने से क्या होता है, क्योंकि यहां पर तो अभी बटन नहीं, तो ऐसे करेंगे तो बैक जाएगा, देखिए पूरा होम स्क्रीन पर चले गए, तो ऐसे स्वाइप करूंगा तो होम स्क्रीन पर जाएंगे, तो ऐसे लेफ्ट साइड से ऐसे स्वाइप करूंगा तो बैक जाने के लिए, ऐसे करूंगा तो फॉरवर्ड जाने के लिए, तो ऐसे अलग अलग इंस्ट्रक्शंस यहां पर दिए हैं, आप जरूर इसको एक बार पढ़ के यूज करना स्टार्ट करें। तो यहां से फुल स्क्रीन जेस्चर ऑन कर सकते हैं, यहां से बटन्स है तो ऐसे आप एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं।
द नेक्स्ट वन इज़ बैटरी को ज़्यादा कैसे बढ़ाएं, मतलब कि बैटरी कंजम्पशन को ज़्यादा कैसे करें। ये फीचर का वीडियो मैं एक्चुअली सेपरेट वीडियो में बताया हूँ, उसमें थोड़ा कुछ ज़्यादा भी इंटरेस्टिंग सेटिंग्स दिखाया हूँ बैटरी सेव करने के लिए, कुछ टिप्स दिया हूँ इंपॉर्टेंट, वो वीडियो ज़रूर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। लेकिन इस वीडियो में ये एक सेटिंग मैं दिखाऊँगा आपको कि बैटरी परफॉर्मेंस कैसे ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बैटरी एंड परफॉर्मेंस में जाना है सेटिंग्स में। तो बैटरी परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर चूज़ ऐप्स करके है, इस पर टैप करना है एंड यहाँ पर क्या करना है, थ्री डॉट्स है, यहाँ से शो सिस्टम ऐप्स। तो इन ऐप्स में ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा ऐप यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी लेट्स से कि गूगल प्ले मूवीज़ एंड टीवी को मैं यूज़ नहीं करता हूँ। इस पर टैप करने के बाद रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी पर टैप करके ओके पर टैप करना है आपको। जी हाँ, ऐसे करने से बहुत सारा बैटरी बचेगा, फालतू में बैकग्राउंड में कुछ ऐप्स रन नहीं होंगे। तो ऐसे आप रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी, जो भी ऐप्स आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, उन सारे ऐप्स को ऐसे जाकर आपको क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी ओके पर टैप करना है। मैंने ऐसे ढेर सारे अच्छे टिप्स दिए हैं बैटरी सेविंग का दूसरे वीडियोज़ में मेरे, आप देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि बहुत अच्छा वर्क हो रहा है, अभी ज़्यादा बैटरी बैकअप भी मिल रहा है इस चीज़ को चेंज करने के बाद। तो आप भी ज़रूर चेंज करके यूज़ कीजिए, ज़्यादा बैटरी आपका बचेगा। तो ऐसे आप बैटरी एंड परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकते हैं। तो अगला सेटिंग है ड्यूअल ऐप्स कैसे करें। तो फिर से सेटिंग्स में ही है, तो यहाँ पर ड्यूअल ऐप्स पर टैप करेंगे। तो ड्यूअल ऐप्स, फेसबुक, अमेजन शॉपिंग, तो जो भी एप्लीकेशन सपोर्ट होगा यहाँ पर रहेगा। मैंने ज़्यादा इंस्टॉल नहीं किया एप्लीकेशन, अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो ज़रूर आपको ड्यूअल ऐप्स के फीचर यहाँ पर मिलेंगे। लेट्स से कि फेसबुक का भी मुझे और एक एप्लीकेशन चाहिए, तो ड्यूअल ऐप एनेबल करने के लिए स्विच ऑन करना है एंड यहाँ से गूगल सर्विसेज को आप ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं, लेट्स से कैंसिल। तो यहाँ पर जो है फेसबुक का और एक ऐप ओपन हो चुका है, देखिए ये वाला छोटा सा आइकॉन है ना, तो ड्यूअल ऐप, ये वाला एक फेसबुक है एंड दूसरा फेसबुक भी यहाँ पर आपको मिलेगा मोर ऐप्स में यहाँ पर है। तो ऐसे ड्यूअल ऐप्स लाने के लिए आपको सेटिंग्स एंड ड्यूअल ऐप्स यहाँ से आप स्विच ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, जो भी ऐप्स हो अगर स्विच ऑफ करेंगे तो ड्यूअल ऐप अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो ऐसे आप दो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं एंड यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग सेटिंग है, देखिए ऐप लॉक, मतलब कि सेकंड स्पेस भी क्रिएट कर सकते हैं, उसके साथ जो भी एप्लीकेशन हो आप पासवर्ड देकर लॉक कर सकते हैं। मतलब छोटे बच्चों के लिए अगर कुछ इंटरनेट का एक्सेस नहीं देना चाहते आप, तो उन एप्लीकेशंस को पासवर्ड सेट करके रख सकते हैं। या फिर लेट्स से कि आप गैलरी किसी और को मोबाइल देते हैं तो गैलरी एक्सेस इजी से ना कर पाए, तो आप गैलरी को टिक करके सेट पासवर्ड पर टैप करके अपना जो भी पैटर्न और पासवर्ड है यहाँ से कंफर्म करके आप ज़रूर लॉक कर सकते हैं एप्लीकेशन को। नेक्स्ट टाइम वो एप्लीकेशन ऑन करने जाते हैं तो पासवर्ड के ज़रिए ही वो एप्लीकेशन ऑन होगा। तो ऐसे आप फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल में। तो ऐसे आपको फीचर्स का वीडियो अच्छा लगता है तो हिट दैट लाइक बटन। तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए आप ज़रूर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें, वैसे लाइक एंड शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।